एक ग्रिल के लिए प्लेन दो पट्टा मार ले रहा हूँ, एक पट्टा रेडी है, दूसरा पट्टा उधर है। इस तरह हम लोग पट्टा मार लेंगे, इस तरह पट्टा को हम रेडी कर लेंगे। देख सकते हो हमारा पट्टा रेडी है, अभी पट्टा जो है ये हमारा रेडी हो गया पट्टा। इसको भी हम बता देते हैं, साथ साथ दूसरा पट्टा को इस तरह डाल देंगे। तो दोस्तों ये पट्टा हमारा रेडी हो गए, इसको हम पलटी कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये भी पट्टा रेडी हो गई। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे तेल, इसके बाद इसमें ले रखा है 5 अंडा, एक रोल में 2 अढ़ाई अंडा डालने का है, कैसा अढ़ाई अंडा डालने का है। दोस्तों चलिए फाइनली एक किलो ऑमलेट पक चुका है, इसको हम पलटी कर देते हैं इस तरह। इसको हम उठा देते इस तरह, इसका पर डाल देंगे। अब दूसरे के लिए फिर से तेल डाल देंगे। इसके बाद इसमें हमारा है अढ़ाई अंडा, ये अंडा हम डाल लेंगे इस तरह। साथ साथ थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑमलेट पकते का ही नीचे से, अब इसको क्या पलटे मारना है। तो दोस्तों देख सकते हो ऑमलेट हमारा रेडी है, इसको ऐसे डाल देंगे। सबसे पहले ये हमारा है गार्लिक सॉस, इसमें हम गार्लिक सॉस लगा देंगे। साथ ही साथ है ग्रीन चटनी दोस्तों, अब ग्रीन चटनी लगा देंगे। साथ ही साथ दोस्तों देख सकते हो कचुंबर काट के रखा हुआ है, इसको भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे। साथ ही साथ दोस्तों फिर से थोड़ा सा गार्लिक सॉस इसके ऊपर से डाल देंगे। तो दोस्तों हमारे एग रोल रेडी है, इसका फोल्ड कर लेते इस तरह।
इसको छोड़ देंगे इसके ऊपर थोड़ा गर्म होने के लिए। इसको भी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको रोल कर लेंगे इस तरह। इसको भी इसी तरह इसमें डाल देंगे। इस तरह इसको एक पलटी मार लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा एग रोल जो है बनके तैयार है। तो दोस्तों हमारे एग रोल रेडी है। इसको हम आप पिकअप कर देते। इस तरह हम लोग एग रोल बना लेते बहुत फटाफट। पूरा रेसिपी आप लोगों को दिखा दिया। दोस्तों ये अब हम एग रोल पिकअप करते हैं। इसको पिकअप कर लेंगे। इसको भी हम इसी तरह दोस्तों रेडी हो गए हमारे एग रोल पिकअप करने के लिए तैयार है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये रेडी है हमारा एग रोल। Yeah.